हेलो दोस्तों, मैं राजन आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी फौज का आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में सब जो डिवीजन है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग आएगा, सिंबल कोडिंग, जंबल कोडिंग एंड मैट्रिक्स कोडिंग। ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट है। ये चार पार्ट होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। इस सब में से हर एग्जाम में तो 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, किसी भी एग्जाम में आते ही है। तो डायरेक्ट लेटर कोडिंग से एक क्वेश्चन फिक्स है, और सिंबल कोडिंग और जो जंबल कोडिंग इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है। और जो मैट्रिक्स का कोडिंग है, ये किसी किसी एग्जाम में आता है, किसी किसी एग्जाम में नहीं आता है। ये सीट पे डिपेंड करता है, ये जो मिक्स्ड मैट्रिक्स कोडिंग है। तो आज हम लोग पहला देखेंगे डायरेक्ट लेटर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग डायरेक्ट लेटर कोडिंग होता क्या, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट लेटर कोडिंग को सॉल्व करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा कि अल्फाबेट, जितने भी अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट कितना होता है, 26 अल्फाबेट होते हैं। तो उनका प्लेस जरूर, 26 अल्फाबेट है, ए से जेड तक जो अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, इनका हमें प्लेस वैल्यू याद रखना होगा। जो 26 अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू हमें याद रखना होगा, प्लस इनका अपोजिट हमें याद रखना होगा, अपोजिट हमें इनका याद रखना होगा। जब तक अपोजिट और इनका प्लेस वैल्यू हमें याद नहीं होंगे, तब तक हम डायरेक्ट लेटर कोडिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना होंगे डायरेक्ट लेटर कोडिंग का। तो हम लोग देखते हैं क्या किसका क्या अपोजिट है और किसका कितना प्लेस वैल्यू, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे कैसे हम प्लेस वैल्यू को याद रख सकते हैं। तो ये हो गया अपोजिट। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। बी का अपोजिट वाई। सी का एस, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस और एच आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे वो देखते हैं। इसे हम इसलिए रख सकते हैं, ए टू जेड हमें याद है, ए टू जेड हमें याद है, या फिर इसको आजाद के तरफ ए टू जेड भी लिख सकते हैं, या फिर याद रख सकते हैं, या फिर आजाद करके भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो ए टू जेड किसे याद है, बॉय को याद है। ए टू जेड बॉय क्या खाता है, बॉय क्रैक्स खाता है। बॉय क्या खाता है, क्रैक्स। वो क्या लगाता है, ड्यू लगाता है, ड्यू। तो क्या होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू। इव कहा और कब घूमने जाता है, इवनिंग में। इवनिंग में कहा जाता है, घूमने के लिए आता है। इवनिंग में कहा जाता है, घूमने के लिए आता है। या से हम इवन करके भी याद रख सकते हैं, इवन या करके इवन करके याद रख सकते हैं। एफ का अपोजिट होता है फन। एफ का अपोजिट यू होता है, क्या करता है, फन करता है, फन। या से फन के तो भी याद रख सकते हैं। जी टी कहा जाता है, जी टी रोड, जी टी रोड घूमने के लिए आता है। कहां पढ़ता हो, हाई स्कूल में पढ़ता है, हाई स्कूल में वो पढ़ता है, हाई स्कूल में वो पढ़ता है। किससे जाता पढ़ने के लिए, तो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आया ना, इंडियन रेलवे से वो जाता है पढ़ने के लिए। जैक, जेट का जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। उसको हम जैक क्वीन के नाम से भी याद रखते हैं, जैक क्वीन। उससे कौन पसंद है, जैक क्वीन। उसे पसंद है, जैकलिन से भी याद रख सकते हैं,
केपी, केपी का क्या जाएगा? कोलकाता पुलिस, कोलकाता पुलिस। कोलकाता पुलिस या केविन पीटरसन के नाम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। एलओ लव, क्या हो गया? लव, LOV, एल का अपोजिट लव वो होता है एलओ, लव। एम का अपोजिट क्या जाएगा? एन, एन क्या जाएगा? मैन, एन से मैन याद से आप याद रख सकते हैं मैन। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं। ये क्या है? ए टू जेड हमें याद है। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई बॉय, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट होगा टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू एंड के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। इसका अगर इधर से देखें तो जेड का अपोजिट ए होगा और आई टी का अपोजिट जी होगा। इसे हम और एक तरह से याद रख सकते हैं, अगर हम 26 अल्फाबेट्स होते हैं 26 तो जेड कितने पे आएगा? 26 पे आएगा और ए कितने पे आएगा? 1 पे आता है। तो 26 प्लस 1 करें तो हमें कितना आएगा? 27। हमेशा अपोजिट का जोड़ होगा 27 ही होगा। आप किसी को भी लेके चेक कर सकते हैं। ऐसे एन कितने पे आएगा? 13 पे एंड 14 पे। 13 प्लस 14 कितने होंगे? 27। तो आप किसी का भी चेक कर सकते हैं 27। अगर 27 दोनों का जोड़ आ जाए तो हमें समझना कि सही है हमारा अपोजिट। अगर 27 जोड़ नहीं आता है तो हमारा अपोजिट क्या जाए? गलत हो जाएगा। तो अब इसे हम देखते हैं, इसका प्लेस वैल्यू आप देख लेते हैं एक बार। ए का प्लेस वैल्यू कितना है? ए का प्लेस वैल्यू 1 होगा, बी का प्लेस वैल्यू 2, सी का प्लेस वैल्यू सी एंड डी का, सी का प्लेस वैल्यू 3 होगा, डी का प्लेस वैल्यू 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच जो हमारा 8 पे आएगा, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15 पे आएगा, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19 पे आता है, टी 20 पे आता है, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23 पे, एक्स 24, वाई 25 एंड जेड 26 पे आएगा। तो अगर इसे आप अपोजिट देखेंगे तो हमेशा इनको ऐड करने से 27 आएगा। चेक कर सकते हैं 15, 12 को ऐड करने से भी 27 होगा, 11 एंड 16 को ऐड करने से भी 27 होगा। इससे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा अपोजिट सही है कि गलत है। तो एक अपोजिट क्या होगा? जेड। इसे हम आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवेन, फन, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक क्वीन, कोलकाता पुलिस, लव एंड मैन की तरह याद रख सकते हैं। बेसिकली आपको मेन फोकस एसी पे रखना होगा। डायरेक्ट लेटर कोडिंग में मेन है प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट। जो अपोजिट है इसे आप याद रखिए और उनका जो प्लेस वैल्यू है उन्हें याद रखिए। इन्हें एक शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हैं इनका प्लेस वैल्यू को। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। ई जो टी है इसमें कितना गैप है? देखिए ई कहां पे है? ई यहां पे 5 पे है, तो आप यहां पे 5 लिख दीजिए। ई 5 पे आएगा तो ई 5 है। जे कितने पे आएगा? 10 डिग्री। सब में कितना गैप है? 5-5 गैप है, 15, 20 एंड 25। ये 5-5 गैप है, आपस में गैप है 5-5 का। ये इजी होता है याद रखने में। इजोटी शॉर्ट है इजोटी।
अगर आपको E का कोड पता रहेगा तो आप इससे पहले वाला जो कुछ आएगा A B C जो D जो आएगा इससे माइनस करके इससे पीछे करके आप देख सकते हैं, या फिर अगर F का पूछे इसके बाद और J से पहले पूछेगा तो आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, इन दोनों का बीच का किसी तरह से आप निकाल सकते हैं, या फिर E से आगे जाके J से पीछे जाके। अगर E से B का पूछ दे तो आप E से पीछे जाइएगा तो कितना आएगा, B का कोड 2 है लेकिन यहाँ पे 2 है। अब ये तो मतलब ज्यादा गैप है ना, इससे आपको याद मतलब प्लेस वैल्यू याद रखने में दिक्कत आ रही है, तो छोटी फॉर्मूला होती है उसमें बहुत सारे आपको नाम याद है, तीन तीन का गैप याद रख लीजिए। इसमें क्या है तीन तीन का गैप, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसे याद रखने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये इजी है, इजोटी बेटर है इसे याद रखने में, पांच पांच का गैप है आपको इजिली आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये पसंद है तो इसमें भी आप इजिली ढूंढ सकते हैं। सी का सिफिलोरेक्स, सी कितने पे आता है 3 पे, एफ कितने पे आता है 6 पे, इसमें क्या तीन तीन का गैप है, यहाँ पे गैप क्या हो गया कम हो गया, यहाँ पे गैप ज्यादा था, तो बेटर ये होता है याद रखने में क्या होता है इजिली आगे पीछे का देख सकते हैं इसका, बट इसमें तीन तीन का गैप है तो उसे आप इसे भी याद रख सकते, बट इसमें याद रखने बहुत दिक्कतें होगी। सिफिलोरेक्स तो सी 3 पे आएगा, एफ 6 पे, आई 9 पे, एल 12 पे, ओ 15, आर 18, यू 21 एंड एक्स 24, इसमें गैप कम है और इसमें भी आगे और पीछे के आप देख सकते हैं। सी से पहले जो अगर बी पूछे तो 2 पे आता है और डी पूछे 4 पे आएगा, ई एफ से पहले पूछे ई पूछे तो 5 पे, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, बेटर होगा इसे याद रखना। आप इस दोनों में जो आपको अच्छा लगे उससे आप याद रख सकते हैं प्लेस वैल्यू। देखिए इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था अपोजिट के बारे में उसी पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है, तो देखते कैसे बोला अमेरिकन को लिखा गया जेड एन वी आई आर एक्स जेड एन, तो इंडियन को क्या लिखा जाएगा, उसे चेक करते हैं ये किससे बनेगा। तो जो इससे पहले ने पढ़ाया वो आपको याद रखने पड़ेंगे, प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट्स, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अमेरिकन को लिखा जाता है जेड एन वी आई आर एक्स जेड एन, देखिए ये ए का अपोजिट क्या होता है जेड, उससे एन का अपोजिट एन है, ई का अपोजिट वी है, ये आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर, सी का अपोजिट एक्स, ए का अपोजिट जेड है, एन का अपोजिट एम, ये क्या है एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है। देखिए ए कितने पे आता है 1 पे आता है और जेड कितने पे आता है 26 पे, दोनों को ऐड कर दो क्या आ जाएगा 27। उसी तरह हम चेक कर सकते हैं 13 पे आता है एंड 14 पे, दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 27, एन क्या गया एक दूसरे का अपोजिट है, तो इंडियन का क्या आ जाएगा इंडियन, तो आई का अपोजिट क्या होगा आर, एन का अपोजिट एम, डी का अपोजिट क्या जाएगा डब्ल्यू, आई का अपोजिट आर, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, तो हमारा ये आंसर इसमें है ये डी, ऑप्शन डी है आर एम डब्ल्यू आर जेड एम, सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में भी और अदर जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं सब में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेस कोडिंग डिकोडिंग का जो आपका प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट है इसे आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो अभी आज के बस इतना ही, अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें इससे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जो नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है उसमें चलेंगे। वंदे मातरम।